हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोएंजाइम Q10 के बारे में बताऊंगा। इसे यूबिक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन और केमिकल रिएक्शन के फंक्शन में यह कंपाउंड बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में कोएंजाइम Q10 के हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, कम्प्लीटली एंड तक ज़रूर देखें। अब सबसे पहले बात आती है कोएंजाइम Q10 क्या है। दोस्तों, साधारण भाषा में समझे तो ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे टिश्यूज़ को, हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। बॉडी में होने वाली सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शन को ये सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट बॉडी के हर सेल में ये एंजाइम पाया जाता है। सेल्स इसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कोएंजाइम Q10 एक फैट सोल्यूबल कंपाउंड है। हमारे शरीर के कई ऑर्गन का फंक्शन इस पर डिपेंड करता है। हमारे बॉडी सेल्स के मेंटेनेंस में भी ये कोएंजाइम काम आता है। इसका एक बेनिफिट यह भी है कि ये हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी असरदार है। फ्रेंड्स, ये एंजाइम हमारे शरीर में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन बढ़ते उम्र के साथ साथ शरीर में CoQ10 बनाने की क्षमता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि हमें सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही थी कोएंजाइम Q10 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो अब हम जान लेते हैं इसका रिकमेंडेड डोज कितना है। कोई भी दवा कितनी ही सही और असरदार क्यों ना हो, लेकिन यदि उसकी खुराक हम गलत लेते हैं या फिर ओवरडोज कर लेते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए किसी भी दवा का सेवन करने से पहले उसका रिकमेंडेड डोज जानना जरूरी है, ताकि दवा का पूरा लाभ उठाया जा सके। तो यदि CoQ10 की बात करें तो इसका रिकमेंडेड डोज 90 से 200 mg के बीच है। यदि आप मार्केट से कोई CoQ10 सप्लीमेंट खरीदते हो तो आपको 30 से लेकर 100 mg तक के डोसेज वाले सप्लीमेंट मिलेंगे। लेकिन कोएंजाइम Q10 लेने से पहले आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। अपनी हेल्थ कंडीशन के चेकअप के बाद ही इस दवा का सेवन करना आपके लिए सही रहेगा। तो अब बात करते हैं कोएंजाइम Q10 के सेवन से पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की। तो इसमें स्टोमिक अपसेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, वोमिटिंग जैसे माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को एलर्जिक इन्फेक्शंस भी हुए हैं, जैसे कि स्किन रैशेस। तो आप इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें। तो हम मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।